गाजीपुर से सुभाष कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद द संगीता बलवंत ने वृहद ऋण मेला में विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों को किया ऋण वितरण। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर जनपद गाजीपुर में बैंकों द्वारा कलेक्टरेट सभागार में वृहद ऋण मेला का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत के द्वारा ऋण वितरण किया गया। राज्यसभा सांसद ने बताया कि नाबार्ड के दिशा निर्देश पे जनपद की वार्षिक ऋण योजना बनाई गई है, जिसमें वर्ष 2023-24 में कुल 4,447 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आज 163.94 करोड़ ऋण का वितरण किया गया। उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही बैंकों का सीडी रेशियो भी बढ़ेगा। ऋण मेले में कुल 22 बैंकों की 315 शाखाओं द्वारा भागीदारी साझा की गई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित की जा रही योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी। सर, अपने हाथों से मैम खुद एक मैम के लिए यहाँ का लोकल एक्चुअल कहिए कि लोकल जो प्रोड्यूस है उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, हमारे के द्वारा बनाए गए, हाथों से बनाए हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। झूठ वाले कहाँ है महिलाएं? वाह वाह, आप लोग मिलिए, नमस्ते। ये यूनियन बैंक का, यूनियन बैंक मैम सारे तरह के लोन हमारे अवेलेबल हैं जैसे बैंक में। जिले में हमारी करीब 11 शाखाएं अभी हैं, जिससे रोजगार किसी के रहते हैं उसका भी फाइल हम लोग कर रहे हैं। किसी ने अच्छा लोन, अच्छा है।